आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, मींस कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। पिछली क्लासेस में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस टेक्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, फोटो मींस लाइट, फोटो ड्राइव्ड व्हिच मींस लाइट, वेयर एज सिंथेसिस मींस टू प्रिपेयर। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कशन अबाउट फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस मींस टू प्रिपेयर। मींस लाइट मींस इन हिंदी प्रकाश, वेयर एज टू प्रिपेयर फॉर तैयार करना। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस को अगर हम मतलब डायरेक्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, तो फोटोसिंथेसिस हमारा डायरेक्ट फॉर्म में होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण मीन्स प्रकाश से भोजन बनाना। जो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स होते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ये सब ऑटोट्रॉफ से बिलोंग करेंगे। ऑल ग्रीन प्लांट्स। तो आप लोग ने तो समझ ही लिया होगा कि ऑटोट्रॉफ, हम क्लास फिफ्थ स्टैंडर्ड से इसे पढ़ते चले आ रहे हैं। ऑटोट्रॉफ मीन्स ऑल ग्रीन प्लांट्स होता है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स आएंगे ये सब ऑटोट्रॉफ मेंबर से बिलोंग करेंगे। अब ऑटोट्रॉफ क्या होता है, ऑटोट्रॉफ को भी मतलब टू फॉर्म में इसको हम ड्राइव्ड करेंगे तो ऑटो मीन्स हो जाएगा सेल्फ, वेयर एज ऑटो फॉर सेल्फ एंड ट्रॉफ फॉर नरिशमेंट, ट्रॉफ फॉर नरिशमेंट। अगर हम इसको हिंदी में मतलब जानने की कोशिश करेंगे तो सेल्फ फॉर स्वयं हो जाएगा, सेल्फ फॉर स्वयं एंड नरिशमेंट फॉर पोषक तत्व। मींस जो मतलब ऑल ग्रीन प्लांट्स होते हैं they are autotroph means for to prepare the food, autotroph। ये तो हमने पिछली क्लासेस में इसको पढ़ चुके हैं। इसलिए हमने कहा लाओ इसको रिवाइज करवा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग पढ़कर आया करिए भाई। आप लोग कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग मतलब ऐसे साइलेंट मैनर में बैठ जाते हैं जैसे कि मतलब अभी नया मतलब चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है। चलिए, आज की हमारी टॉपिक थी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। मीन्स व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। वी हैव इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडी अबाउट सम फैक्टर्स डेट इज CO2, H2O, क्लोरोफिल, CO2, H2O, क्लोरोफिल, मिनरल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो हमारे फोटोसिंथेसिस के ये सब कुछ फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस।
अगर ये सब मतलब कोई भी एक चीज़ को, अगर कोई भी एक एलिमेंट को हम बाहर निकाल लेंगे या मॉलिक्यूल्स को, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकते हैं। ये तो रही फोटोसिंथेसिस की बात। अब हमें फैक्टर बताना है कि कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए। तो ये तो रही बात, ये तो फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन के फैक्टर था। अब हम इसको देखेंगे कि फैक्टर कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल करते हैं फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएंगे, सनलाइट हो जाएगी। पहली हमारी जो मतलब फैक्टर मतलब रिस्पॉन्सिबल करती वो सनलाइट है। और जो सनलाइट है ये हम पढ़ते भी आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में, जो सनलाइट है ये मेन फॉर्म ऑफ द एनर्जी, ये मेन फॉर्म ऑफ द अर्थ है, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का हमारा मेन फॉर्म ऑफ द अर्थ है। अगर ये मतलब मेन फॉर्म ऑफ द एनर्जी नहीं रहेगी तो ये प्लांट्स और एनिमल दोनों अफेक्टेड हो जाएंगे। प्लांट्स और एनिमल जो हैं हमारे, ये दोनों अफेक्टेड हो जाएंगे, ये वेल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं इस अर्थ पे। इसलिए मतलब सनलाइट इज मोस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑन द बायोस्फीयर, वेयर एज द सेकेंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इज क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट, क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट व्हिच इज टू ट्रैप द सनलाइट। अभी हम इसके बारे में इसको थोड़ा डिटेल अभी मतलब इसको देखते हैं। अभी कुछ फैक्टर को हम देख लेते हैं। द थर्ड फैक्टर इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड द फोर्थ फैक्टर इज वाटर। सो दीज आर द फोर फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर नहीं अगर मतलब निकाल देंगे हम तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकती है। और यही चारों फैक्टर मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए। अगर लाइट नहीं रहेगी तो सारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। और क्लोरोफिल नहीं होगा तो भी मतलब सनलाइट को ट्रैप कौन करेगा, यही क्लोरोफिल हमारी जो होती है वो सनलाइट को ट्रैप करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये एनर्जी के फॉर्म में इस्तेमाल हो जाएगा और वाटर भी। तो चलो अब हम देखते हैं क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट, इसके बारे में थोड़ा डिटेल करें। चलिए सनलाइट के बारे में देख लेते हैं। सपोज दैट एक प्लांट है, प्लांट के केस में हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमें मतलब डायग्राम थोड़ा रफली बनाना है, यहाँ पे हमें आर्ट और क्राफ्ट नहीं करना है, बस समझने के लिए थोड़ा ऐसे फिगर ऐसे बना लेना है। और ये हमारा सनलाइट है, ये मेन फॉर्म ऑफ द एनर्जी है हमारी। अब जब ये सन रेज इस पे प्लांट पे पड़ती है, ये जो सन रेज होती है, चाहे सन रेज कहो चाहे सनलाइट कह दो, तो ये जो हमारा लिप्स है इस लिप्स में क्लोरोफिल पिगमेंट पाई जाती है। जैसे हमारा सेल्स होता है, सेल से ही पूरे बॉडी का ऑर्गेनिज का मतलब निर्माण होता है, ऑर्गेनिज बनता है वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वैसे हमारा क्लोरोफिल ही पूरे लिप्स में पाई जाती है। और ये क्लोरोफिल अगर नहीं पाई जाएगी तो सनलाइट को पूरा जो लिप्स होगा, जो होल लिप्स हैं, ये ट्रैप नहीं कर पाएंगी, सनलाइट को ट्रैप नहीं कर सकती हैं, इसलिए मतलब इसमें पाई जाती है। जैसे सपोज डेट अगर हम फिजिक्स के केस में पढ़ते हैं सोलर पैनल, तो इसमें भी सोलर एक यूनिट होती है जो सोलर पैनल को बनाती है। यही यूनिट, ये भी मतलब ये जो सोलर है, सोलर सेल्स हैं, ये सोलर सेल्स हैं और ये पूरे सोलर सेल्स एक पैनल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। और यही सोलर सेल्स मतलब ये भी वही काम करती हैं, ये भी सनलाइट को ट्रैप करती हैं और यही ट्रैप करती है, फिर बाद में डीसी को एसी में बदल जाता है, डायरेक्ट करंट को एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये तो रही फिजिक्स की बात। अभी हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ऐसे इसी प्लांट के केस में भी होता है, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी इसके लिप्स हैं, उसमें सोलर सेल्स की तरह इसमें भी क्लोरोफिल पिगमेंट पाई जाएंगी, पूरे प्लांट में पाया जाएगा। इसी के कारण मतलब सनलाइट ट्रैप होती है।
और फिर बाद में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होती है। फिर बाद में ये जो मतलब यहाँ पे जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ये लीव्स क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप करती है, सनलाइट को ट्रैप करती है और फिर बाद में ऑक्सीजन रिलीज करती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है और फिर बाद में ये जो एनिमल्स हैं, मान लीजिए लायन है, लायन लायन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेता है और फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है CO2, और CO2 फिर प्लांट से ले लेता है, और फिर कौन सा फैक्टर बचता है, फिर वाटर, फिर पानी बरसती है, हम पानी देते हैं, पानी हम देते हैं या रेन होती है, बारिश होती है, फिर यहाँ पे मिनरल भी रहती है, या हम मतलब फर्टिलाइज़र का भी यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे हो गया मतलब सनलाइट, यहाँ पे ये क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप किया, फिर बाद में ऑक्सीजन बनी, फिर ऑक्सीजन बनी, फिर ऑक्सीजन लायन लिया, फिर लायन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से ले रहा है, फिर उसके साथ साथ एक ग्लूकोज भी बनता है। ये ग्लूकोज जैसे कि मान लीजिए मतलब आम का पेड़ है तो मैंगो फॉर्मेशन करेगा, ये क्या प्रोडक्शन देगा, मैंगो देगा, तो मैंगो हमारा मतलब स्वीट स्वीट टाइप का होता है, मीठा होता है, मैंगो हमारा क्या होता है, मीठा स्वीट नेचर का होता है, किस नेचर का होता है, स्वीट नेचर का होता है, तो इस कारण इसमें सुक्रोज पाए जाते हैं, जितने भी मतलब हैं, सॉरी सुक्रोज कह रहे हैं, फ्रुक्टोज पाए जाते हैं, जितने भी मतलब फ्रूट्स हैं वो हमें फ्रुक्टोज देते हैं, क्या देते हैं, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज बोथ आर द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला C6H12O6, दिस इज फ्रुक्टोज, वेयर एज ग्लूकोज इज C6H12O6, बोथ द स्ट्रक्चरल फार्मूला फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज इज द सेम, दिस इज ग्लूकोज। सो दिस इज द मतलब फूड स्टेप्स प्रोड्यूस्ड बाई अ प्लांट। तो सनलाइट मीन्स द सनलाइट ट्रैप बाई क्लोरोफिल एंड टू फॉर्म ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज C6H12O6 एंड द ऑक्सीजन टेक्स इनहेल बाई लायन एंड एक्सहेल अ कार्बन डाइऑक्साइड, द कार्बन डाइऑक्साइड यूजेस बाई अ प्लांट। चलिए फिर बाद में कल पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।